नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रथम चरण में पड़ने वाले मतदान के लिए सभी तैयारी जिला प्रशासन द्वारा आज पूरी कर ली गई है। सुबह से बिजनौर जनपद की 5 तहसीलों धामपुर, बिजनौर, नजमाबाद, नगीना, चांदपुर में कल यानी 22 नवंबर को मतदाता अपने मतदाता का प्रयोग करके वोट डालेंगे। इसी को लेकर आज जनपद के शहर बिजनौर के RJP इंटर कॉलेज में सभी मतदान स्थल पर पोलिंग पार्टी को रवाना करने का काम चल रहा है। जनपद बिजनौर की 12 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत क्षेत्र में कल मतदान होना है। मतदाता सुबह 7:30 बजे से मतदान स्थल पर पहुंचकर शाम 5 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। बिजनौर के 12 नगर पालिका नूरपुर, च्योरा, चांदपुर, हल्दौर, बिजनौर, किरतपुर, नजीमाबाद, नहटौर, धामपुर, शेरकोटा, नगीना और अफजलगढ़ क्षेत्र में कुल महिला मतदाता 2,60,306 है, जबकि पुरुष मतदाता 5,39,943 है। उधर बिजनौर की 6 नगर पंचायत झालू, मंडावार, जलालाबाद, वड़ापुर, सहजपुर और सहनपुर क्षेत्र में कुल महिलाएं मतदाताओं की संख्या 48,367 है और पुरुष मतदाता की संख्या 1,01,468। उधर इन चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए कुल 72 मजिस्ट्रेट और 28 जोनल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी इस नगर निकाय चुनाव में लगाई गई है। सभी संवेदनशील 667 और अति संवेदनशील 486 मतदान स्थलों पर वेब कैमरे के माध्यम से रिकॉर्डिंग की व्यवस्था मतदान स्थल पर चुनाव आयोग के निर्देश पर की गई है। हमारी यहाँ 167 पोलिंग पार्टियाँ हैं, जो नगर पालिका बिजनौर, नगर पालिका हल्दौर, नगर पंचायत खालू और नगर पंचायत मंडावर के लिए हैं। वो RJP कॉलेज से हर एक अपने गंतव्य के लिए यहाँ से रवाना हो गई। मैक्सिमम पार्टियाँ हमारी सामग्री ले गई हैं और एक जनवरी के अंदर सब पार्टियाँ से हो गई। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो किस तरह की हर एक के साथ पुलिस फोर्स, पर्याप्त पुलिस फोर्स लगाया गया। उसके अलावा क्लस्टर मोबाइल हैं, हम लोग जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट जो भी हैं उनके अलावा सफल जोनल मजिस्ट्रेट हैं, हम और CO साहब वो सबकी टीमें लगा के गई और सुरक्षा बंद चाक चौबंद है। किसी भी प्रकार असुविधा किसी को नहीं होने लगी और जो भी मतदाता हैं वो शांतिपूर्वक मतदान में। कितने बूथ संवेदनशील और अति संवेदनशील? हमारे यहाँ 15 बूथ अति संवेदनशील प्लस हैं। वहाँ पर अलग से एक्स्ट्रा फोर्सेस लगा दी गई है, KGMA और AC की भी फोर्सेस लगा दी गई है और किसी भी प्रकार की कोई भी किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं।